इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो पार्लियामेंट से सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि विंटर पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है वहां पर दो लोगों ने जो है सिक्योरिटी ब्रीच की है और वहां पर दो लोग पार्लियामेंट की गैलरी के अंदर घुसे हैं और उन्होंने जो है कुछ गैस के जो गोले हैं वहां पर फेंके हैं। आपको बता दें कि पार्लियामेंट को स्थगित करना पड़ा है। जिस तरह से आप जानते हैं कि पार्लियामेंट सेशन इसी महीने विंटर पार्लियामेंट सेशन जो है वो चल रहा है, लेकिन आपको तस्वीरें भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो पार्लियामेंट में कुछ गैस के जो गोले हैं वो दागे गए और तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से वहां पर पूरे पार्लियामेंट में जो है धुआं ही धुआं हो चुका है और पार्लियामेंट को स्थगित करना पड़ा है। फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर पार्लियामेंट से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर विंटर पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, कुछ अहम बिलों को जो है वो मंजूरी दी जा रही है। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को जो है वो मंजूरी दी जा चुकी है। रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जो है उस पर जो है लगातार कानून बनाया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें किस तरह से लगातार पार्लियामेंट से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि जहां पर दो लोगों ने सिक्योरिटी को ब्रीच करके पार्लियामेंट के अंदर घुसे और वहां पर जो है कुछ गैस के जो गोले हैं वहां पर दागे गए हैं और तस्वीरें आपको दिखाई किस तरह से पूरा धुआं धुआं जो है पार्लियामेंट के अंदर हुआ है। और आपको ये बता दें कि पार्लियामेंट फिलहाल जो है तौर पर जो है स्थगित करनी पड़ रही है, क्योंकि अभी इन लोगों का पता लगाया जाए कि आखिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जो है ये सिक्योरिटी ब्रीच की है और ये लोगों की क्या मंशा थी, किस तरह से जो है पार्लियामेंट के अंदर घुसे हैं। लेकिन फिलहाल अभी आपको बता दें कि पार्लियामेंट से जो बड़ी खबर आ रही थी कि सिक्योरिटी ब्रीच करके दो लोगों ने गैलरी के अंदर जो है जंप करके वहां पर पूरा अफरा तफरी का जो है वो माहौल बना दिया है और अब पार्लियामेंट को स्थगित कर दिया गया है। विंटर पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तमाम बिलों पर जो है वक्तन फोक्तन मंजूरी दी जा रही है। लगभग कल भी हमने आपको बताया कि किस तरह से वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास किया गया, उससे पहले रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, जम्मू कश्मीर के कुछ अहम बिल है जिनको मंजूरी दी जा रही है। आने वाले वक्त में और भी जो बिल है वो पास होने वाले हैं। आपको बता दें कि ये पार्लियामेंट सेशन जो है 15 दिन तक चलने वाला है। आपको दोबारा से एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है पूरा धुआं ही धुआं हो चुका है और नीचे आपको बता दें कि ये जो लोग हैं यहाँ पर आगे जो है ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की एक बार कोशिश करेंगे। देख सकते हैं आप तस्वीरें कि किस तरह से जो है पार्लियामेंट के अंदर पूरा धुआं ही धुआं जो है वो हो चुका है। आपको दोबारा से दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो है किस तरह से ये पूरा पार्लियामेंट का जो है हाल है, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखाई कि पार्लियामेंट में किस तरह का इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। खबर ये भी सामने निकल कर आ रही, पुलिस ने जो है दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अब इन लोगों से पूछताछ भी की जाएगी कि आखिर इन लोगों की क्या मंशा थी, क्या प्लानिंग थी, किस तरह से ये जो है पार्लियामेंट में घुसे। पहली बार जो है देखने को मिला जहां पर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है पार्लियामेंट में और दो लोग जो है अंदर घुसकर वहां पर कुछ अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल पार्लियामेंट को स्थगित कर दिया गया है। विंटर पार्लियामेंट सेशन जो है लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि 15 दिन तक ये पार्लियामेंट सेशन जो है वो चलेगा और उसके बाद जो है लगातार इस पार्लियामेंट की जो विंटर वेकेशन है वो भी खत्म हो जाएंगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि लगातार ये खबर आ रही है कि दो लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो ब्रीच होकर के दो लोग जो है पार्लियामेंट की गैलरी के अंदर घुसे थे और वहां पर पार्लियामेंट में अफरा तफरी का माहौल था। इस बीच जो है वहां पर स्पीकर को पार्लियामेंट जो है वो पूरी तरह से स्थगित करना पड़ा। क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आएगी कि आखिर इन लोगों की क्या कुछ मंशा थी, क्यों लोग ये लोग जो है पार्लियामेंट में घुसे और पुलिस इनसे जानकारी हासिल करेगी कि आखिर किन लोगों ने इन्हें भेजा था, क्या मकसद था इन लोगों का। इससे पहले कभी हमने इस तरह की जो एक्टिविटीज है वहां पर देखी नहीं, लेकिन आज सिक्योरिटी को ब्रीच करके दो लोग जो है पार्लियामेंट के अंदर घुसे और वहां पर जो है पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है। आने वाले वक्त में क्या कुछ जानकारी रहेगी कि कौन ये लोग थे, किस तरह से ये लोग अंदर जो है घुसे और क्यों ये लोग जो है अंदर घुसकर पार्लियामेंट में जो है इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। जो भी अपडेट हम तक पहुंचेगी हम तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे प्राइम।